नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अंधेरे में बैठी, सब कुछ ठीक तो है? ऐसे बैठे बैठे कुछ सोचने लगी, पता ही नहीं चला वक्त कितना बीत गया। आओ। ज्यादा सोचना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। शायद तुम ठीक ही कहते हो, पर सोचने पर किसी का बस भी तो नहीं चलता। बाहर चलना जरूरी है क्या? यहीं कुछ बना लूं तो? जरूरी तो नहीं, चाहो तो यहीं बैठेंगे अगर मन नहीं है तो। वैसे मैं सीटें रिजर्व करा चुका हूं। अच्छा तो चलो बाहर ही चलते हैं। तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। पर क्यों? कोई खास वजह नहीं, मीता से अलग होने के बाद बरसों तो बस इच्छा ही नहीं हुई। एक अजीब सी लापरवाही सी छा गई। फिर दोबारा जब सोचना शुरू किया शादी के बारे में तो कोई लड़की जची नहीं निभने के लिहाज से। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो बस इस फूक फूक कर बढ़ने में उम्र का कारवा गुजरता चला गया और मैं मिस राइट को नहीं ढूंढ पाया। अभी कौन सी तुम्हारी उम्र गुजर गई? मुझे यकीन है तुम्हें तुम्हारी मिस राइट मिलेगी, जरूर मिलेगी। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मुझे मिस राइट मिली भी तो मैं भी उसके लिए मिस्टर राइट रहूंगा? Oh, I can guarantee that. मुझे यकीन है मिस राइट के लिए तुम मिस्टर राइट रहोगे ही रहोगे। बस चलो बाहर टेरेस पर चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहीं कॉफी पियेंगे। ठीक है। वो जो मिस राइट की बात थी ना, वो मुझे मिल गई है। मिल गई है? कहाँ है? कौन है? उसके सामने खड़ा हूँ। मुझे मालूम था ये मेरी जबरदस्त गलतफहमी है, मैसिव मिसअंडरस्टैंडिंग। लुक, आई एम सॉरी। मनोज, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, प्लीज मुझे गलत मत समझना। तुमने जो कहा मुझे उससे खुशी हुई, लेकिन बड़ी उथल पुथल से गुजरने के बाद मैंने कुछ निश्चय किए हैं, सभी के सुख के लिए, सभी की शांति के लिए। प्लीज उन्हें डिस्टर्ब मत करो। कौन से निश्चय शोभना? एक रूसी औरत मेरी दोस्त हुई, बड़े अच्छे स्वभाव की लड़की थी, जी भर के प्यार देना और प्यार लेना जानती थी। फिर भी 2 बार उसका विवाह टूटा, लेकिन इससे भी उसकी जिंदादिली में कोई कमी नहीं हुई। एक दिन जब मैंने उससे पूछा कि इतने हादसों से गुजरने के बाद भी वो कभी गमगीन क्यों नहीं रहती, तो उसने कहा, जिंदगी को जिया जाता है और इसके लिए ज़रूरी है कि जो रिश्ते बनाओ उनके ना तो इतने करीब जाओ कि वो उलझ जाएं और उनमें गांठें पड़ जाएं, और ना ही इतने दूर रहो कि उनमें धागे ही ना रहें, बस बीच की जगह रहो, अच्छी साफ सुथरी दोस्ती की जगह। इस बीच की जगह को वो गोल्डन मिडिल कहा करती थी। क्या हम लोग इस गोल्डन मिडिल की जगह नहीं रह सकते? जरूर। Stay my friend. Oh, मिनी बाबा ने हमको पिटवा दिया। अब देखना मिनी, 1, 2, 3। ये मिनी बाबा हार गए। ओह, अब देखना आप हमारी सर्विस उठाइए। पापा। बेटे। मुन 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 मुन
मिनी को देखने, कहीं वो उघड़ी ना हो। Go to sleep, baby. बहुत रात हो गई। That's right. मिनी अभी तक नहीं जगी? नहीं, अभी भी सोता है। किरण मैम साहब किधर है? बाहर गया है। बाहर? इतनी सुबह? किस लिए? मेरी को क्या मालूम साहब। मैरी! जी साहब। किसका सामान है ये? किरण मैम साहब का। किरण का? कभी पैक किया? कल रात ही पैक करके रखा था। क्यों? हम क्या बताएंगे साहब। बाहर कभी गया? घंटा होइला है। कुछ बोल के नहीं गया? हमसे बोला बाहर चक्कर लगाने को जाता है, साहब जगेगा तो आ जाएगा। हम अभी आता है। तुम जानते हो सुनील, मुझे पहले से ही समझना चाहिए था। शुरू से ही ये एक तरफा आग थी। मुझे तुमसे मोहब्बत थी, तुम्हें नहीं। दरअसल तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ एक पैशन था हमारे रिश्ते का आधार। जब वो निकल गया तो वो आधार भी गिर गया। मेरे लिए ऐसा नहीं था सुनील, मैं चाहती थी तुम मुझ पर झुक सको, मैं तुम्हारी जिंदगी की भागीदार बन सकूं। I don't know what to say. कुछ मत कहो, यही बेहतर होगा। मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, आज सुबह अपना फ्लैट भी वापस ले लिया है। हम लोग यहीं इसी वक्त अलविदा कहें तो बेहतर होगा। किरण, कुछ मत कहो, बस जाने दो। क्या लूं सर? कुछ नहीं। जेनी, वो शाम को क्लब की मीटिंग के लिए मेरी तरफ से अपॉलॉजी भेज दो।
मुझे जरूरी एंगेजमेंट आ गया है। ओके सुनील, राइट अवे। हेलो, हाँ इनसे मिली, ये शेखर कपूर है, सुनील वर्मा। एक्सक्यूज मी, एक मिनट बात। और ये मिस्टर चड्डा। और चिंता कैसा चल रहा है? हाँ जी ठीक है। प्रसन्न होना। कैसी भाभी? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? तुम में एक और भी डायमेंशन है, पांचवी डायमेंशन।
तुम मेरी रग रग में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे काम में, मेरे सोने में, मेरे जागने में, मेरी हर चीज में समा चुके हो। यही है तुम्हारी फिफ्थ डायमेंशन। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।